बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो पेपर 2019 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8, 10। मेक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड शो डैट। फिर हमने पहले हमने सैंपल्स ड्रॉ करने हैं, फिर हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? सैंपल मीन की। क्यों? क्योंकि जो हमने रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं उसमें हमने मीन फाइंड करना है एक्स बार का, यानी एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस। सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस हमने फाइंड करना है, और फिर हमने पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरियंस फाइंड करके ये रिजल्ट्स वेरीफाई करते हैं। तो पहले हम सैंपल्स ड्रॉ करेंगे, फिर हम हर सैंपल का मीन फाइंड करेंगे, फिर हम उन सैंपल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, और फिर लास्ट पे हम डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस फाइंड करके पॉपुलेशन के मीन और पॉपुलेशन के वेरियंस के साथ ये रिलेशंस वेरीफाई करेंगे। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करने की जो टेक्निक है उसमें आपने सबसे पहले क्वेश्चन में पॉपुलेशन की वैल्यूज लिखनी है। इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8, 10। फिर उसके बाद पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज मींस नंबर ऑफ वैल्यूज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और इस पॉपुलेशन में 1, 2, 3, 4, 5 फाइव वैल्यूज़ हैं, एन इज इक्वल टू 5। फिर नेक्स्ट आपने सैंपल साइज़ की वैल्यू लिखनी है। सैंपल साइज़ क्वेश्चन में गिवन है, सैंपल ऑफ साइज 2, सैंपल साइज़ को स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, सैंपल साइज इज 2। फिर सैंपलिंग टेक्निक, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है इस क्वेश्चन में, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट के केस में नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स फाइंड करने के लिए विद रिप्लेसमेंट के केस में कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन 5 है और स्मॉल एन है 2, 5 की पावर 2 तो ये आ जाएगा 25। इट मीन्स कि इस पॉपुलेशन में से विद रिप्लेसमेंट के साथ दो साइज़ के 25 सैंपल्स जो हैं वो ड्रा होंगे। तो अब हम सैंपल्स ड्रा करते हैं, सैंपल्स। फिर हमने सैंपल्स मीन भी फाइंड करने हैं। सैंपल मीन्स को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे, सैंपल्स एंड सैंपल मीन्स। अब टू साइज़ के विद रिप्लेसमेंट के सैंपल्स ड्रा करने की जो टेक्निक है, आपने पॉपुलेशन की हर वैल्यू को 1 by 1 हर वैल्यू के साथ लिखना है, या आपने पॉपुलेशन की हर वैल्यू का सबके साथ पेयर बनाना है। तो पहला नंबर जो पॉपुलेशन में वो 2 है, 2 का पेयर आपने इन सब के साथ, 2 को आपने 1 by 1 इन सब नंबर्स के साथ लिखना है। तो 2 को 2 से स्टार्ट करना है, हम लिखेंगे फर्स्ट सैंपल आएगा 2, 2, सेकेंड 2, 4, सब के साथ बारी बारी लिखेंगे 2, 6, 2, 8, 2, 10। ये 2 के सैंपल्स कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट इसी तरह 4 को आपने इन पांचों वैल्यूज़ के साथ लिखना है, तो ये आएगा 4, 2, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट में जो यूनिट एक दफ़ा आए वो एक, वो नेक्स्ट टाइम दूसरी दफ़ा भी, यानी हर यूनिट के एक से ज़्यादा दफ़ा आने के चांसेस मौजूद होते हैं। विद रिप्लेसमेंट में एक यूनिट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यूनिट की सिलेक्शन से पहले फर्स्ट वाले को पॉपुलेशन में रिप्लेस किया जाता है, इसलिए इसमें रिपीटिशन हो सकती है। 4, 2 के बाद 4, 4 एंड देन 4, 6, 4, 8, 4, 10। ये 4 के भी कंप्लीट हो गए। अब 6 के सैंपल्स 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 8, 6, 10।
अब इसी तरह 8 के पेयर इन सब के साथ 8 के सैंपल्स लिखेंगे, 82 84 86 88 810. अब 10 के 102 104 106 108 1010. ये सैंपल्स कंप्लीट हुए. अब हमने हर सैंपल का मीन फाइंड करना है. सैंपल मीन फाइंड करने के लिए सैंपल में जितनी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करेंगे और जो टोटल आएगा उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे. इस क्वेश्चन में हर सैंपल में दो वैल्यूज़ हैं तो आपने दोनों वैल्यूज़ को पहले ऐड करके टोटल फाइंड करना है, फिर टू पे डिवाइड करना है. अगर सैंपल में तीन वैल्यूज़ होती फिर तीनों को ऐड करके जो टोटल आना था उसको हमने थ्री पे डिवाइड करना था. तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 4 आएगा. 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट सैंपल का मीन आ जाएगा 2. 2 प्लस 4 6 आएगा. 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे इस सैंपल का मीन आ जाएगा 3. इसी तरह इस सैंपल का मीन आएगा 4. इसका मीन आएगा 5. आपने हर सैंपल की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके जो टोटल आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 4 8 आएगा. 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे इसका मीन आ जाएगा 4. इस सैंपल का मीन आएगा 5. इसका मीन आएगा 6. इस सैंपल का मीन आएगा 7. 6 प्लस 2 8. 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4. 6 प्लस 4 10. 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5. नेक्स्ट 6 प्लस 6 12. 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6. इसी तरह इस सैंपल का मीन आएगा 7. इसका मीन है 8. इसका मीन 5. इसका मीन है 6. 8 प्लस 6 14. 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे इसका मीन आ जाएगा 7. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 आएगा. 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस सैंपल का मीन आ गया 8. इस सैंपल का मीन आएगा 9. इस सैंपल का मीन आएगा 6. इसका मीन आएगा 7. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 आएगा. 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आ जाएगा 8. इस सैंपल की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 10 प्लस 8 आएगा 18. 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आ जाएगा 9. 10 प्लस 10 20. 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो लास्ट सैंपल का जो मीन है वो आ जाएगा 10. तो हमने सैंपल्स भी फाइंड किए और हर सैंपल का हमने मीन भी फाइंड किया. अब हमने इन सैंपल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन और वेरियंस फाइंड करना है. सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार इट्स मीन एंड वेरियंस. तो सैंपल मीन इस डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट कॉलम उसमें एक्स बार की वैल्यूज आएंगी और एक्स बार की वैल्यूज़ इधर से ये जो हमने सैंपल मीन फाइंड किए हैं ये 2 से 10 तक 2 3 4 5 भी है, इसमें 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है. तो 2 से लेके 10 तक वैल्यूज़ हैं. तो फर्स्ट कॉलम में 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सेकंड कॉलम इस टेबल में आएगा टैली मार्क्स. टैली मार्क्स का कॉलम ज़रूरी नहीं कि हम हर क्वेश्चन में या इस टेबल में टैली मार्क्स का कॉलम हम ज़रूर लिखें. वैसे भी आप हर वैल्यू को काउंट करके फ्रीक्वेंसी का कॉलम लिख सकते हैं, लेकिन टैली मार्क्स ये है कि जो क्वेश्चन में गलती के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे. टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन एक एक वैल्यू को जब हम टैली करेंगे तो फिर हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा, गलती के चांसेस कम होंगे. फर्स्ट वैल्यू है 2, तो 2 को टैली करेंगे. टैली मार्क्स के लिए हम वर्टिकल बार यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वैल्यू है 3, 3 के सामने बार आ जाएगा. फिर 4, 5, फिर 6, फिर उसके बाद 3, 3 के सामने एक और लाइन, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 7 के बाद 4, 4 के सामने एक और लाइन, फिर 5. अब इधर इस कॉलम में आ जाते हैं 6,
सेवन, एक एक वैल्यू को टैली करते जाएंगे, एट, फिर फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, फिर सिक्स, फिफ्थ लाइन जो है, फिफ्थ लाइन आप इस तरह भी लगा सकते हैं, फिफ्थ लाइन आप ऐसे भी लगा सकते हैं, फिफ्थ लाइन आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं फिफ्थ लाइन इस तरह लगाऊंगा, फिर सिक्स के बाद सेवन, फिर एट, फिर नाइन, फिर टेन। ये हमने सैंपल मीन की हर वैल्यू को टैली किया। अब नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी, इन लाइंस को हम काउंट करेंगे, जितनी लाइंस होंगी वो उस नंबर की, यानी टू के सामने एक लाइन है, टू की फ्रीक्वेंसी है वन, इसका मतलब टू कम्स ओनली वन टाइम्स, दो सिर्फ एक ही दफ़ा आया। थ्री के सामने दो लाइंस हैं, थ्री की फ्रीक्वेंसी है टू। फोर के सामने तीन लाइंस हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई थ्री। फाइव की फ्रीक्वेंसी फोर, सिक्स की फ्रीक्वेंसी फाइव, सेवन की फ्रीक्वेंसी फोर, एट की फ्रीक्वेंसी थ्री, नाइन की फ्रीक्वेंसी टू, टेन की फ्रीक्वेंसी वन। अब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो जो समेशन है इन वैल्यूज़ का जो टोटल है वो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स के इक्वल आना चाहिए। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, तो ये आ गया 25। नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स जो थे वो भी 25 और समेशन है भी 25। अब हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है म्यू एक्स बार, और उसके लिए जो मैं फार्मूला यूज़ करूँगा समेशन एफ एक्स बार ओवर समेशन एफ। फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करना वेरियंस, वेरियंस ऑफ एक्स बार, और वेरियंस के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा समेशन एफ एक्स बार स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बार ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर। तो इनके लिए मैं दो कॉलम्स, एक एफ इंटू एक्स बार फाइंड करना है और एक हमने फाइंड करना है एफ इंटू एक्स बार स्क्वायर। इसके लिए हम एक्स बार स्क्वायर का भी एक कॉलम फाइंड कर लेंगे। एफ इंटू एक्स बार, एक्स बार और एफ को मल्टीप्लाई करना है, टू मल्टीप्लाई बाय वन टू, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू सिक्स, फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री ट्वेल्व, फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर ट्वेंटी, सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव थर्टी, सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर ट्वेंटी एट, एट मल्टीप्लाई बाय थ्री ट्वेंटी फोर, नाइन मल्टीप्लाई बाय टू एटीन, टेन मल्टीप्लाई बाय वन टेन। अब ये जो एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स बार स्केयर है, इसमें बच्चे जो गलती करते हैं वो ये एफ एक्स बार वाली वैल्यूज का स्केयर लेके इधर लिख देते हैं। अगर तो ये एफ इंटू एक्स बार होल स्केयर होता या एफ स्केयर इंटू एक्स बार स्केयर होता तो फिर हमने इसका स्केयर लेके इधर लिख देना था। ये ऐसे नहीं है, इसमें x बार के ऊपर सिर्फ स्केयर है, f के ऊपर स्केयर नहीं है, इसलिए मैं x बार का स्केयर अलग कॉलम बना रहा हूँ। फिर x बार की हर वैल्यू का स्केयर लेके इधर लिखेंगे और उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्केयर आएगा 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81 और 10 का स्केयर आएगा 100। अब हमने f और x बार स्केयर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये कॉलम आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 48, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 100, 5 मल्टीप्लाई बाय 36 ये आ गया 180, 4 मल्टीप्लाई बाय 49 196, 3 मल्टीप्लाई बाय 64 192, 2 मल्टीप्लाई बाय 81 162, 1 मल्टीप्लाई बाय 100। एक टोटल हमें चाहिए एफ इंटू एक्स बार का यानी समेशन एफ एक्स बार, और दूसरा टोटल हमें चाहिए एफ इंटू एक्स बार स्क्वायर का समेशन एफ इंटू एक्स बार स्क्वायर। तो पहले इन वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 10, ये टोटल आ गया जी 150। अब f इंटू एक्स बार स्क्वायर के कॉलम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और उसका टोटल फाइंड करते हैं, 4 प्लस 18
प्लस 48 प्लस 100 प्लस 180 प्लस 196 प्लस 192 प्लस 162 प्लस 100, ये टोटल आया जी 1000। इसको रीचेक कर लेते हैं, 4 प्लस 18 प्लस 48 प्लस 100 प्लस 180 प्लस 196 प्लस 192 प्लस 162 प्लस 100, ये आ गया 1000। अब इन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हैं। समेशन एफ एक्स बार 150 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 25, 150 डिवाइडेड बाय 25 ये आ गया 6। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ गया 6। अब डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस, समेशन एफ एक्स बार स्क्वायर 1000 डिवाइडेड बाय 25 माइनस, ये हमने ऊपर डिवाइड करके सिंपलीफाई किया है, तो ये इसकी जगह 6 आ जाएगा, क्योंकि समेशन एफ एक्स बार ओवर समेशन एफ 150 डिवाइडेड बाय 25 6 आया, तो डायरेक्ट हम 6 पुट कर सकते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 25 40 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस आया 40 माइनस 36 4। अब हमने पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरियंस जो है वो फाइंड करना है, और फिर हम अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। पॉपुलेशन की जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन हम फाइंड करने लगे, पॉपुलेशन मीन एंड वेरियंस। पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, और उसके लिए जो फार्मूला मैं यूज़ करूँगा समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। पॉपुलेशन वेरियंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और उसके लिए फार्मूला मैं यूज़ करूँगा समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। पॉपुलेशन के फार्मूलों में कैपिटल एन यूज़ होना है, पॉपुलेशन के फार्मूलों में स्मॉल एन यूज़ नहीं करना, क्योंकि पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन है, स्मॉल एन सैंपल साइज है। पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, और पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8, 10। वेरियंस के लिए ये जो समेशन एक्स स्क्वायर है, इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यूज, एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। अब इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, तो एक्स की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो समेशन एक्स, एक्स की वैल्यूज़ का टोटल आएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 30, और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ का टोटल समेशन एक्स स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 100, तो ये आ गया 220। वैल्यूज पुट करते हैं इन फार्मूलाज में, म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स इज 30 एंड कैपिटल एन इज 5, 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 6। समेशन एक्स के 220 डिवाइडेड बाय 5 माइनस समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन आया 6, 6 का स्क्वायर 220 डिवाइडेड बाय 5 यह आया 44 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो पॉपुलेशन का वेरियंस आ गया 8। 44 में से 36 को माइनस करेंगे, पॉपुलेशन वेरियंस इज 8। लास्ट पे अब हम वेरिफिकेशन, फर्स्ट जो रिलेशन हमने वेरीफाई करना है वो है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आया 6, और पॉपुलेशन का मीन भी क्या है 6, तो पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, ये भी 6, दोनों साइड सेम है, ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है। हमारा फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हुआ। सेकंड जो रिलेशन हमने वेरीफाई करना है, सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, जो डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस है, डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस आया 4, और पॉपुलेशन का वेरियंस आया
पॉपुलेशन का वेरिएंस आया 8, पॉपुलेशन वेरिएंस इज 8, सैंपल साइज है 2, स्मॉल एन इज 2, 8 को 4, 2 पे डिवाइड करेंगे आ गया 4, तो लेफ्ट साइड भी 4, राइट साइड भी 4, ये भी दोनों साइड सेम है, ये भी रिजल्ट ट्रू है, तो दोनों रिलेशन जो हमने वेरीफाई करने थे वो हमारे वेरीफाई हुए, जिसके साथ हमारा एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।